नरीमन बुंदेला सर का ये कमरा तो उस घर से भी दो गुना बड़ा है। फिर क्या जरूरत थी उसे कियान और मेरे घर के इतने पास रहने की, एक मामूली सा ट्रेनी बनने की। लगता है सबको होश आने वाला है, चलो चलो जल्दी से सब तैयार कर ले। ये वाली चप्पल वहां रख देता हूं। अरे रे 20,000 की चप्पल है, ध्यान से। मुरली मुरली तुम ये एनवेलप भूल गए। मुरली मुरली तुम ये भूल गए। मुरली क्या हो गया आपको? इस मामूली से एनवेलप के लिए आपने अपनी जान खतरे में क्यों डाल दी? ये मामूली सा एनवेलप नहीं है, ये तुम्हारी पहली कमाई है, पहली सैलरी पूरे 20,000 रुपए। पर जानवी जी आप ऐसे रुपए, तुम्हारी कड़ी मेहनत की कमाई मुरली, अरे हम जैसे लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। सोचो मुरली अगर इन्हें कुछ हो जाता, अभी फट जाते, कुछ खराब होता, क्या खाना खाते, किराया कैसे देते और अपने बूढ़े माँ बाप का घर खर्चा कैसे चलाते? मुरली हम जैसे लोगों के लिए ये कभी कभी हमारी जान से भी ज्यादा जरूरी होती है। ये मामूली नहीं है, ये मामूली तो हम हैं। ऐसे नहीं, संभाल कर रखो इसे। कैसी बेवकूफ थी मैं भी, बीच सड़क पे उनकी सैलरी का लिफाफा बचा के दिया, अपने जैसा मामूली इंसान समझ के डांटा, याद दिलाया कि कैसे सिर्फ 20,000 ना होने से हम जैसों का सारा संसार बिखर जाता है, जबकि सच तो ये है कि वो यानी आर्यमन सर 20,000 की तो सिर्फ चप्पलें पहनते हैं। जो इंसान इतना अमीर है कि अपनी पसंद की कोई भी चीज चुटकी बजाते बनवा या मंगवा सकता है, उसे जाने कितनी दफा अपना सादा सा साधारण सा घर का खाना खिलाया मैंने और उसने चुपचाप खा भी लिया। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा एक इंसान आ चुका है। कौन वो? लक्ष्मीदी ने कहा था कि ये इंसान मेरे लिए सही रहेगा, पर कैसे, ये तो वो इंसान है ही नहीं। तब ये मुरली था, मुरलीधर ट्रेनी और मेरे बीच में फिर भी एक समानता थी, एक मेल था, पर ये तो अब आर्यमन बुंदेला है, बुंदेला खानदान का वंशज, और मैं तो एक साधारण सी लड़की अपनी जिंदगी से जूझती हुई। वो पूरा मैं पश्चिम, कितनी बेवकूफ थी मैं, एक अमीर आदमी और एक गरीब लड़की में कभी दोस्ती कैसे हो सकती है? जब से मुरली का सच सामने आया ना, हमारी वो सुख दुख की दोस्ती हमेशा के लिए खत्म। हाँ
जानवी जी, मैं खुश होने दूंगा आपको, मैं हूं आपके साथ, खुश नहीं होने दूंगा आपको। सर, आपको यहाँ पर कल रात को मुरली जी लेकर आए थे जब आप रोड पर घायल पड़े हुए थे। सड़क पे बेहोश, मेरे साथ जानवी जी भी थी ना। मुरली, आंखें खोले रखना, अभी डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। काट को वही तो खींच रही थी, ठीक तो है ना? मेरा फोन। मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे जानवी जी है मेरे आसपास। सर, मैं अपनी ड्यूटी के अलावा आपके लिए क्या ही कर सकती हूँ, बताइए ना। एक मौका दे दो प्लीज जानवी, एक मौका दे दो प्लीज, एटलीस्ट मुझे। सर, मैं कौन होती हूँ आपको मौका देने वाली? सर, मौका तो आपकी कंपनी ने दिया है मुझे, यहाँ नौकरी देकर अपनी ड्यूटी करके। जानवी, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज सर, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करूंगी आपका, मुझे माफ कीजिए, मैं काम कर लेती हूँ। ब्रिज सर इन पेपर्स का इंतजार कर रहे हैं, सब तहस नहस हो चुका है। जानवी, जानवी प्लीज 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 जानवी। सर, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं अपनी जॉब कर लेती हूँ। सर, मेरी जॉब खतरे में आ जाएगी अगर मैं ये पेपर सबमिट नहीं कर पाई तो। एक मिनट मेरी बात सुन लो जानवी प्लीज। जानवी सर, एक मिनट प्लीज। आप पेपर पर खड़े हैं। जानवी, thank you.